नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी के अपडेट और हर सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है दोस्तों। तो इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसका आवेदन शुल्क जो है वो निःशुल्क है। ST, SC, ABC, DWS सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए इसमें निःशुल्क आवेदन है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपके विभिन्न पदों पर इसमें भर्ती निकाली गई है, इसमें आप ऑनलाइन आवेदन अपना जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप PDF डाउनलोड कर जो नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर इसे ऑफलाइन पते पर जो है भेजना होता है। चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना है क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है गोनिस 24 लिखकर आप जैसे ही करेंगे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाएंगे। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर होंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले नवीनतम अपडेट पाने के लिए यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन दिख रहा होगा, एक फॉलो का बटन दिख रहा है, इसे जरूर फॉलो कर लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए निकाली भर्ती, एज लिमिट 56 साल और 2 लाख से भी ज्यादा आपको यहाँ पर सैलरी जो देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने महिलाओं के लिए 30 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली। इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट NEW.NIC.IN पर जाकर आवेदन करना होगा। भर्ती का पद अगर हम बात करें तो रिसर्च ऑफिसर सहित अन्य पद हैं। आवेदन इसके प्रारंभ हो चुके हैं 28/10/2024 से, जो कि लास्ट तारीख इसकी 28/11/2024 रखी गई। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 33 है चिन्हित किया गया। अब 33 कौन कौन से पद हैं, तो लोअर डिवीजन क्लर्क के 1 पद है, पर्सनल असिस्टेंट के 6 पद हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 1 पद है, प्राइवेट सेक्रेटरी के 5 पद है, रिसर्च ऑफिसर के 2 पद देखने को मिल जाएंगे, असिस्टेंट PRO के 1 पद देखने को मिल जाएगा, रिसर्च असिस्टेंट के 4 पद देखने को मिल जाएंगे, लीगल असिस्टेंट के 8 पद है यहाँ पर, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के 1 पद है, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी के 1 पद है, सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी के भी 1 पद है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के भी यहाँ पर 2 पद देखने को मिल जाएंगे। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो उम्मीदवार की अधिकतम आयु 56 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 56 साल से कम के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो सभी उम्मीदवारों को पद के अनुसार अपनी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जैसे उम्मीदवारों के पास 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास भी आवेदन कर सकते हैं, लॉ वाले भी आवेदन कर सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो सभी सेक्शन की योग्यता संबंधित डॉक्यूमेंट आपके पास जो है वो फोटो कॉपी के रूप में आपको भेजना होगा। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सभी जो है फॉर्म में आपको भरकर भेजना होगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो लोअर डिवीजन को 19,000 से लेकर 63,000 रुपये प्रति माह जो सैलरी है, पर्सनल असिस्टेंट को 35,000 से लेकर 1,12,000 रुपये प्रति माह सैलरी है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर को 35,000 से 1,12,000, प्राइवेट सेक्रेटरी को 47,000 से 1,51,000, रिसर्च ऑफिसर को 47,000 से लेकर 1,51,000 रुपये प्रति माह जो सैलरी देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से असिस्टेंट प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी को 78,000 से लेकर 2,09,000 रुपये प्रति माह से देखने को मिल जाएगी। अब आवेदन किस प्रकार से करना है, सबसे पहले अगर आपको PDF यहाँ से डाउनलोड करते नहीं आ रही तो सबसे पहले आपको चले जाना है राष्ट्रीय महिला आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट NEW.NIC.IN पर। आवेदन फॉर्म PDF को डाउनलोड करें, सभी डिटेल दर्ज करें, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट चेक कर लिफाफे में रखें, भरे हुए फॉर्म को नीचे का लिंक पर दिए नीचे दिए गए पते पर भेज दें। पता कहाँ पता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW, प्लाट नंबर 21, जलोसा इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 11/00/25। अब ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो इस पर क्लिक कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में जो है वो आवेदन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि किसका प्रिंट आउट निकालना है, PDF के सबसे लास्ट में आपको आवेदन फॉर्म जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार नंबर पेज से यहाँ पर जो आपका आवेदन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आपसे लगभग ये आवेदन फॉर्म पूरा आपको भर देना है, ठीक है। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको इसमें जो है वो पूरे जरूरी डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाना है,
वो सभी डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको इसे पोस्ट ऑफिस पर जो पता बताया गया है उस पते पर आपको इसे भेज देना है। यानी कि ये पता आपको पूरा का पूरा ये पता आपको लिख देना है पोस्टर लिफाफे के ऊपर। तो दोस्तों महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग में भर्ती निकली है विभिन्न पदों पर, टोटल 33 पद। इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते हैं दोस्तों, और वेबसाइट पर जानकारी आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी, तो उसे जरूर फॉलो करें। और चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।